ध्यान दो, पूछो कि ये अंतिम युद्ध हो रहा है या लड़ाई में कौन जीतेगा। भगवान का दिया कि अर्जुन बुद्धि दुर्योधन में अधिक है और बल बल भीमसेन में अधिक है, तो बुद्धि के सामने बल हार जाता है। कन्हैया ऐसा करो, 18 दिन से जिता लाए हो तो नहीं, आज और कैसे कर पाते, भीम की काया पस्त हो रही है। अब भगवान श्याम सुंदर बोले, अर्जुन नेक भीमसेन मेवा चिताई नहीं तो मैं कछ कहूं। और देखे तुमने दो पहलवान लड़ रहे हो, और जब एक उम्र लो तबत हो तब दिखवाइए ना, देखा तो कोई जय कह देगा कुश्ती परंपरा छोड़ दो। अब जब भीम की काया पस्त रही है और तब कन्हैया मां नजर गई, जो भगवान मां नजर गई, अरे तब कर अपनी जान को सारो करो। धरती में गिर गया और जो दुर्योधन धरती में गिर गया सोई बलराम रथ ले गए। अब आए पाए बलराम, बलराम ने कही भीम, कहिए गुरु जी गदा की लड़ाई तुम्हें किन्ने सिखाई। तो भीम कही चेलाए दोनों दुर्योधन और भीम गुड़ गए बलदाऊ के, दाऊ जी के चेलाए दोनों। तो दाऊ जी पूछ रहे हैं कि तुम्हें लड़ाई किन्ने सिखाई, भीम ने की गुरु जी तुमने, तो फिर जी बताओ गदा की चोट नियम अनुसार कहां मारी जाते हैं। भीम ने की गुरु जी सीना पे मारी जाते हैं, तो जब सीना पे मारी जाते हैं तो तेने किनके कहते जांगम मारी। अब भीम के भाई पर जो सिखवैया तो पीछे ढालो। अब बलराम को जब क्रोध आया है तब कहिए गदा हाथ में लेकर क्या, अरे जब धरती बदल गया मेरा शिष्य दुर्योधन।